पिंटू और चिंकी जल्दी से बैठ जाओ, फायर शो शुरू होने वाला है। हाँ चिंटू महाराज, बैठ गया हूँ। अब तुम दोनों जरा सा शांत बैठ जाओ, मुझे नज़ारा देखने दो। हाँ लेना लेना, किसने रोका है, पर चालू तो हो जाने दे। बहुत हार्ड जोक था चिंटू, मजा आ गया। हाँ ठीक है बहुत हो गया मजाक, अब शांत बैठो। तो वे सभी के सभी आसमान में एक खूबसूरत नज़ारा देखने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा। हाँ बाबा, ये बात तो 100% सच है। क्या तुम दोनों चिंटू और पिंटू क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो, चलो जरा मर्दों की तरह रहो। हाँ चलो जरा हमारे साथ रॉकेट जलाओ चैलेंज लगाओ। हम दोनों के अलावा तुम्हें कोई मिलता नहीं है का लड़ाई करने के लिए? हाँ चल, मेरे को मंजूर है तेरा चैलेंज, तुझे आज हरा दूंगा। अरे नहीं, ये तो दिवाली के दिन भी लड़ रहे हैं। तो चिंटू पिंटू, चैलेंज ये है कि हमें अपने रॉकेट से उस टावर को उड़ा देना है। बकू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे होशियार बच्चे, गांव के बाहर उड़ा फटाके, यहाँ दिखा तो अब बहुत मार खाएगा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, चल भूतिया बंगले के पास पिंटू। क्यों, हवा टाइट हो गई तेरी? चल हम भी नहीं डरते। दोस्तों, अगर आपको अपना फेस इस कहानी में लाना है तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए अपना नाम और अपना ईमेल, तो एक अच्छा कमेंट करना। उनके गांव के बाहर एक डरावना भूतिया बंगला भी था। वे सभी के सभी अपने रोबोट के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। सर, वहां पर कुछ लोग दिख रहे और उनके पास रोबोट भी है, उन्हें चेक करूं क्या? वहां पर कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उनके पास एक रोबोट भी था। रोबोट, तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? तुम किसी को भी चेक कर लोगे और तुम्हें वो करने भी देगा। स्मार्ट हो बकू, तुम स्मार्ट हो, वैसे तुम भी ठीक कर रहे हो। चलो बकू शुरू करो, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। बॉस, वो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनके पास एक रोबोट भी है, क्या करे, अभी रहने दे, लगता है वो फटाके फोड़ने आए, कुछ किया तो देख लेंगे उन्हें भी। बकू और जॉनी का ग्रुप और चिंटू पिंटू और चिंकी का ग्रुप भी तैयार था। तो सुनो, चैलेंज यह है कि इस रॉकेट से उस घर को उड़ा देना होगा। चल तो पहले मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है आज। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब चिंटू अपना रॉकेट जला देता है और रॉकेट अपनी फुल स्पीड में उस बंगले की तरफ जाने लगा। वो थोड़ी ही दूर क्रैश हो जाता है। अरे नहीं चिंटू, हम तो थोड़ी ही दूरी से हार गए, अब उसकी बारी है। जाओ मेरे शेर, अब जीत के ही वापस आना। उसका रॉकेट एक भीगी बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ करते उस कार पे ही क्रैश हो जाता है। सर, इनका कुछ ज्यादा ही हो गया, इनको तो मजा चकाना ही होगा रोबोट से। बकू, तुमने यह क्या कर दिया, वो अटैक करने वाले, जाओ उनसे माफी मांगो। तुम लोगों को अब माफी वापी कुछ नहीं मिलेगी, अब सजा मिलेगी, रोबोट अटैक करो। रोबोट, इनसे हमें बचा लो। इनका रिकॉर्ड मिल गया सर, ये लोग क्रिमिनल्स है। उनका रोबोट अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। क्रिमिनल्स, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम लोग सच्चाई के साथ हो तो जाओ लाइक करो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 3000 लाइक। दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। अपना अल्फा रोबोट कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से उस रोबोट को धो रहा था और आखिर में उस पर लगातार वार करके अल्फा रोबोट उसे हरा देता है। अरे नहीं, हम तो हार गए, जल्दी से इनके गांव पर एक रॉकेट फायर कर दो। ठीक है सर, अभी लॉन्च कर रहा हूँ। रोबोट जरा जल्दी जाओ, उन्हें रोको। वे लोग एक रॉकेट को फायर कर देते हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर हम जल्द मिलेंगे तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए। हाँ जाओ, पहले गाँव को तो बचा लो। वो मिसाइल गांव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वो सीधे आकर एक जिप्सी पर गिर जाती है। अरे नहीं, ये जिप्सी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। उस रॉकेट के अंदर कुछ छोटे छोटे बॉम्ब थे, वो ब्लास्ट होने लगे। अरे नहीं, इनकी मिसाइल तो बहुत खतरनाक थी, इसके अंदर भी बॉम्ब थे। चिंटू, इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, इन लोगों को छोड़ना मत। हाँ बकू, उन्हें तो मैं छोड़ने ही नहीं वाला हूँ, रोबोट उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, ऐसे सिग्नल भेजो उन्हें। जी सर, मैंने सिग्नल भेज दिए है, आपका प्लान मुझे समझ गया। वे लोग अभी भी उसी जगह पर थे। क्या हुआ है उस गांव में, हमारी मिसाइल ने तबाही मचाई या नहीं? सर, हमारा मिसाइल अटैक बहुत सक्सेसफुल हो गया है, अब आगे क्या करना है? मेरे हिसाब से अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें सबक मिल चुका होगा।
वो बच्चे खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, वो पलटकर वार जरूर करेंगे। समझ गया सर, मैं सबसे पावरफुल रोबोट को उनके गांव पर अटैक करने के लिए भेज देता हूँ, वे अभी मुझसे नहीं बच पाएंगे। चिंटू और पिंटू किसी भी अटैक के लिए तैयार थे। ताकतवर रोबोट आ जाता है। जाओ रोबोट, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। आ जा, मार के दिखा मुझे। रोबोट उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वो रोबोट भी अल्फा रोबोट में से एक था। इस कारण से दुश्मन रोबोट अपने रोबोट पर भारी पड़ रहा था। अल्फा जैसे भी रोबोट नीचे गिर जाता है। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे सर, मुझे फिर से एक्टिवेट कर देना। अरे नहीं, ये क्या करने वाला है? अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार कर देता है, इससे रोबोट भी डीएक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे प्राइम रोबोट आ जाता है। चिंटू पिंटू, यह रहा तुम्हारा रोबोट। तो प्राइम रोबोट आते ही उस पर वार करने लगा, और दो ही वार में प्राइम रोबोट उसे खत्म कर देता है। आखिरकार प्राइम रोबोट ने इस रोबोट को हरा दिया। अब उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। एक दिन की बात थी, एक दादाजी एक गांव में घूम रहे थे। उन पर दो रोबोट्स एक घातक हमला कर देते हैं। अब होगी तबाही। उसी तरह एक मियां पर वो दो रोबोट्स हमला कर रहे थे। मियां भाई, तुम कितना भी भाग लो, हमसे नहीं बच पाओगे। अरे नहीं, ये कौन सी मुझे बताती, मुझ पे बहुत महंगी पड़ती है अब मुझे। वो दोनों रोबोट उसे भी घायल कर देते हैं। इन हमले के वजह से चिंटू पिंटू बहुत परेशान थे। एक ऑटो वाला उनकी तरफ आ रहा था। अरे नहीं, ये ऑटो वाले चाचा अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक और आदमी उनकी तरफ आ रहा था। आप लोगों को क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? चिंटू पिंटू, इन सब के पीछे बिजनेसमैन श्याम है, वो बदला लेना चाहता है। उसने मेरे भी परिवार को पकड़ लिया है, वो सब जंगल में है। तो यह सब वो बदला लेने के लिए कर रहा है? हाँ चिंटू पिंटू, उन लोगों ने मेरे दोस्त को भी पकड़ लिया है, वो पुराने रेगिस्तान में है। जाओ प्लीज, बचाओ। अरे नहीं पिंटू, हमें दो जगह पर जाना है, अपने बैकअप रोबोट को भी बुला लो। हाँ चिंटू, तुम जल्दी से जंगल की तरफ जाओ, मैं उस रेगिस्तान की तरफ जाता हूँ। कुछ दिन पहले की बात थी, चिंटू पिंटू अपने गाँव में खेल रहे थे। देखा तुम लोगों ने, हमारा खिलौना कितना अच्छा है। तुम्हारा खिलौना कुछ भी काम का नहीं है मेरे खिलौने के सामने। बकू का खिलौना एक छोटा सा रोबोट था। हमारा खिलौना हमें हंसाता भी है, तुम्हारा नहीं करता वैसा। वो खिलौना काफी क्यूट भी था। हमारा खिलौना मजेदार तो नहीं, पर तेरा खिलौना तोड़ सकता है। वो चुटकू सा रोबोट चिंटू पिंटू के खिलौने को तोड़ देता है। यह तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब तुम लोग पछताओगे। तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया, मेरे सर को परेशान किया, मतलब मुझे परेशान किया। वो छोटा रोबोट वहाँ से डर कर भाग जाता है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया कि इनके पास बड़ा रोबोट है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए बकू और जॉनी, नहीं तो बहुत पिटोगे। ठीक है पिंटू और चिंटू, हमें इस बार माफ कर दो। अचानक एक कार उनके गाँव में बहुत तेजी से आकर एक पेड़ को टकरा गई। अरे नहीं, वो आदमी कैसे गाड़ी चला रहा है, उसने तो उसे गिरा दिया। वो गाड़ी वाला और कुछ गांव वाले वहां पर जमा हो जाते हैं। बुड़बक कई का, गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो, एक पेड़ का नुकसान कर दिया। ज्यादा बोल मत बुड्ढे, तुझे अभी यहां पर खरीद सकता हूं मैं। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो हमारे दादाजी को? तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो एक रोबोट के बलबूते पर। रोबोट जाओ, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं इसे बताओ। सीधे सीधे यहां से चले जाओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। सब लोग उस पर हंस रहे थे। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना चिंटू पिंटू, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, तुमसे भी और इन गांव वालों से भी। डर गया बुड़बक कई का, हा 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 हा। अरे नहीं, चिंटू पिंटू से सब डर रहे, ऐसा है तो मैं अब दो रोबोट लाऊंगा, चिंटू पिंटू बच के। इस वजह से वो बिजनेसमैन चिंटू पिंटू के पीछे पड़ा था। चिंटू उस जंगल में चला जाता है। वो बिजनेसमैन भी वहां पर ही था। क्यों चिंटू, कैसा लग रहा है मुझसे पंगा लेकर? तुमने हमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी बिजनेसमैन श्याम, अब तुम नहीं बचोगे। देखेंगे, जाओ रोबोट उसे मार दो। रोबोट उसे खत्म कर दो। दोनों रोबोट एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। चिंटू का रोबोट भी कम नहीं था। वो
वो उस बिजनेसमैन के रोबोट को नीचे गिरा देता है। रोबोट मारो उसे। वो रोबोट अब गुस्से में आ गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था। चिंटू पिंटू का रोबोट भी उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नाकामयाब हो रहा था। चिंटू का रोबोट हार जाता है। मुझे हराना आसान नहीं है बच्चू, मेरे सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते हैं। तुमने तो मुझे हरा दिया, पर मेरा भाई जरूर आएगा, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। वैसे हमने पिंटू का भी बंदोबस्त कर दिया है, वो भी अपने घुटने पर आ चुका होगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें? और यहाँ पिंटू अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान था। एक रोबोट बहुत गति से उसके रोबोट पर हमला कर देता है, पर रोबोट उस हमले को नाकामयाब कर देता है। तुम लोग और तुम्हारा वो बिजनेसमैन हमें नहीं हरा सकता रोबोट। यह तो एक शुरुआत है। वो रोबोट पिंटू के रोबोट पर बहुत खूंखार तरीके से वार करने लगा। तुम मेरे रोबोट के सामने नहीं टिक पाओगे रोबोट। तब वो रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? रोबोट खड़े हो जाओ। वो रोबोट पिंटू की तरफ बढ़ रहा था, पर वो रोबोट अचानक से नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, इस पर हमला किसने किया? वहां पर जॉनी और प्राइम रोबोट आए थे। तुम लोग हमारे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे तो तुम लोग हरा दोगे, पर चिंटू तेरा भाई नहीं बच पाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा भाई वहां पर पहुंच चुका होगा। अरे नहीं। प्राइम रोबोट उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है। बुराई का तो अंत होता ही है। और यहाँ जंगल में एक चीज उस रोबोट पर हमला कर देती है, उससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, यह क्या हुआ? जहाँ हम वहाँ पर हमारे दोस्तों को कोई कुछ नहीं कर सकता। चिंटू अब तुम फिकर मत करो। बकू का रोबोट और चिंटू का रोबोट मिलकर उस पर हमला करके उसे बर्बाद कर देते हैं। बच्चू मेरा रोबोट तो तुझे अब बहुत पिटेगा। चलो जाते जाते जेल में छोड़।